स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? आज हम सेकंड लेक्चर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस आर कॉमन एंड वाइटल टू सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबस्शन एंड क्रायोजेनिक अरेस्टिंग। हम मिल का जो पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वो कह रहा जी कि हमारी डेली लाइफ में हमें हमारी ज़िंदगी के बेसिक फंक्शंस को सरंजाम देने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस हैं, रेस्पिरेशन है, कंबस्शन एंड क्रायोजेनिक अरेस्टिंग, इनमें रेडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा इन मैकेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं। Chemical reactions which have capability to involve the following changes on any compound is known as oxidation reactions. यानी कोई भी chemical reactions जिसमें ये changes होंगी, loss of electrons, gain of oxygen, removal of hydrogen. तो जिनमें ये changes होंगी chemical reactions में, loss of electron, gain of oxygen, removal of hydrogen, these are the definitions of oxidation reactions को oxidation reactions कह देते हैं। अच्छा जी, rules of oxidation state। organic compounds में carbon की oxidation state reactant और product में जो compounds होगा, reactant में जो compound होगा, फिर product में compound होगा, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकाल के ये डिसाइड किया जाता है कि ये वाला कंपाउंड रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में तब्दील हुआ तो उस पर ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई। तो उसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, जिसमें फर्स्ट रूल ये है जी, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अनदर कार्बन डज नॉट अल्टर द ऑक्सीजन स्टेट। यानी हम लेंगे कि कार्बन का जी, अगर कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो है, ठीक है। अगर कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी एक कार्बन के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार कार्बन अगर जुड़े हुए हैं तो मैक्सिमम वैलेंसी भी कार्बन की चार है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का जीरो ही रहेगा। यानी एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अनदर कार्बन डज नॉट अल्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट कार्बन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सेकंड रूल, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय वन। यानी अगर एक कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, वो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक जो है वो डिक्रीज कर देगा बाय वन, यानी माइनस वन कर देगा। एक अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन हो जाएगा, यानी जीरो से एक कम हो जाएगा। अगर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली चार हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए होंगे तो फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस फोर हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड रूल जो है ये बताता है, एवरी बॉन्ड फ्रॉम कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन के साथ अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन अगर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, विल इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बाय वन, वो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंक्रीज कर देंगे। यानी हर बॉन्ड, अगर एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक इंक्रीज कर देगा, यानी जीरो से पॉजिटिव वन हो जाएगा। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो पॉजिटिव टू कर देगा, यानी दो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल से इन रूल्स को समझते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन में ये जो कॉर्नर वाले कार्बन हैं, इनको टर्मिनल कार्बन और एक सेंट्रल कार्बन है। जो लेफ्ट टर्मिनल कार्बन है, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच हैं और एक कार्बन अटैच है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है लेफ्ट, हम पहले निकालते हैं जी लेफ्ट यानी टर्मिनल, लेफ्ट टर्मिनल कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। लेफ्ट टर्मिनल कार्बन एटम के साथ एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जो कार्बन अटैच है वो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है,
एक हाइड्रोजन कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वन डिक्रीज करेगा, तीन हाइड्रोजन है तो कार्बन का लेफ्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव थ्री हो जाएगा। इस तरह अगर हम सेंट्रल कार्बन को देखते हैं तो सेंट्रल कार्बन के साथ जो है वो दो कार्बन लेफ्ट और राइट वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है, जिससे कार्बन का सेंट्रल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, लेकिन इसके साथ दो हाइड्रोजन आइटम जो है वो बराह रास्त जुड़े हुए हैं। दो हाइड्रोजन आइटम बराह रास्त ये जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस टू हो जाएगा, दो नंबर जीरो से दो नंबर डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट विल बी माइनस टू। अच्छा जी, राइट टर्मिनल कार्बन का बिहेवियर लेफ्ट टर्मिनल कार्बन जैसा ही है, और इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तीन हाइड्रोजन की वजह से नेगेटिव थ्री हो जाएगा। अब इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर ले, नेगेटिव थ्री नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री, देयर विल बी नेगेटिव एट। अच्छा, जब प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट का नाम है वन प्रोपेन और अल्कोहल है CH3CH2CH2OH। अब इसमें भी जो कार्बन हैं, सारे कार्बन जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसमें भी लेफ्ट टर्मिनल कार्बन एटम प्रोपेन के लेफ्ट टर्मिनल कार्बन एटम की ही तरह है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव थ्री, और सेंट्रल कार्बन भी प्रोपेन के रिएक्टेंट के सेंट्रल कार्बन की तरह है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेगेटिव टू। लेकिन ये जो राइट टर्मिनल वाला जो कार्बन है, इसके साथ एक ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है, दो हाइड्रोजन इसके साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं, और एक इसके साथ ऑक्सीजन ये वाला बराह रास्त जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ। इस कार्बन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो ही रहेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो ये दो हाइड्रोजन हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन की वजह से, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक डिक्रीज होगा, माइनस वन हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हैं तो माइनस टू हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिससे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन इसमें इजाफा होगा। अब माइनस टू प्लस वन, दैट विल बी माइनस वन, तो इनको अब ऐड कर लें, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, दैट विल बी माइनस सिक्स। माइनस सिक्स जो है ये वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन की प्रोडक्ट में, लेकिन रिएक्टर में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हुआ। जब प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हुआ तो दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीडेशन हुई है और ये इलेक्ट्रॉन की रिमूवल है। तो हम कहेंगे कि प्रोपेन रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में तब्दील हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ गई और ये जो है ऑक्सीजन स्टेट में इजाफा हो गया, सॉरी, और ये जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में ये प्रोडक्ट जो है, ये रिएक्टेंट जो है, इसका नाम है प्रोपेनाइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका अलग है, प्रोपेनाइक एसिड है, इसमें भी तीन कार्बन है, ठीक है। जब तीन कार्बन का बारी बारी इनफरादी तौर पर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम निकालते हैं, टर्मिनल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री, क्योंकि इसके साथ तीन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हैं और एक हाइड्रोजन की वजह से, डायरेक्टली अटैच होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन डिक्रीज होगा, तीन है तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। ये सेंट्रल कार्बन का साथ दो कार्बन अटैच हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ जो दो हाइड्रोजन हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू जो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस राइट टर्मिनल कार्बन को देखते हैं, इसके साथ जो है वो कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं, पहले ये देखते हैं। इसके साथ लेफ्ट में एक कार्बन एटम है, जिसकी वजह से इसके ऑक्सीजन स्टेट को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जीरो ही रहेगा कंसीडर करेंगे। इसके साथ एक ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला, तो ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस टू हो जाएगा। लेकिन राइट साइड पे इसके साथ एक और ऑक्सीजन भी है, जो कि जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो जाएगा, यानी प्लस वन इस ऑक्सीजन के एक सिंगल बॉन्ड की वजह से और इस ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स की वजह से प्लस टू, प्लस टू और प्लस वन, दैट विल बी प्लस थ्री। अब इनको ऐड कर लें, प्लस थ्री माइनस टू, दैट विल बी माइनस टू। अच्छा, जब प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, प्रोडक्ट का नाम है प्रोपेनल एल्डिहाइड, इसका तल्लक है तीन कार्बन वाला ये एल्डिहाइड है। इसमें लेफ्ट कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट माइनस टू, जैसा कि हमने पहले भी ये ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है, सेंट्रल कार्बन का माइनस टू, लेफ्ट कार्बन का माइनस थ्री, सेंट्रल का माइनस टू, और इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हाइड्रोजन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये माइनस वन हो जाएगा,
इस कार्बन का माइनस वन, इस हाइड्रोजन की वजह से माइनस वन, और ये दो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड्स की वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन प्लस टू, प्लस टू माइनस वन, दैट विल बी प्लस वन। अब इसमें माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस फाइव और प्लस वन माइनस फोर, दैट इज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस टू से ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है प्रोडक्ट में जाके माइनस फोर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हुई है, डिक्रीज हुई है, दैट इज रिडक्शन। मतलब इस रिएक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एडिशन होंगे, और ये प्रोडक्ट में इस तरह विकृति होगा, तो दैट इज द रिडक्शन। तो इस तरह कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी मदद से निकाल के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कार्बन की, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है या ये रिड्यूस हुआ है।